हाय एवरीवन, वेलकम इन माय न्यू वीडियो। एक्चुअली आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट टी कोर्स उस वीडियो सीक्वेंस में। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ एंड वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस करता हूँ। तो हमने चार टी कोर्स देख लिए थे ग्लोबल सेटिंग फॉर कंपनी कोड में, और इसके बाद आज हम देखेंगे डिफाइन ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड्स, ठीक है, एंड डिफाइन फील्ड स्टेटस वेरिएंट, असाइन फील्ड स्टेटस टू कंपनी कोड, डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप एंड डिफाइन पोस्टिंग की तक भी हम देख लेंगे आज, ठीक है। तो आज हम 14 तक का हम देखेंगे। तो सबसे पहले डिफाइन ओपन एंड क्लोजिंग पोस्टिंग पीरियड, इसके बारे में हम देखते हैं। इस होता क्या है, SAP FI पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट इज यूज्ड टू मेंटेन अकाउंटिंग पीरियड्स दैट आर ओपन फॉर पोस्टिंग एंड ऑल क्लोज पीरियड आर बैलेंस। दिस इज यूज्ड फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग पीरियड इन द फिजिकल ईयर। फॉर पोस्टिंग पर्पस यू कैन असाइन दिस पोस्टिंग पीरियड टू वन और मोर कंपनी कोड्स, ओके। और इसमें कुछ कोड्स हैं जैसे प्लस ऑल अकाउंट्स के लिए यूज होते हैं, D4 हम कस्टमर्स के लिए यूज करते हैं, के हम वेंडर्स के लिए यूज करते हैं, एम फॉर मटेरियल और एस फॉर जनरल लेजर के लिए यूज करते हैं। तो मैं बनाते हैं कैसे ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमें टी कोर्स के साथ जाना है। टी कोड क्या है, OB52। अब आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे बने हुए हैं अलग अलग कंपनीज के। तो हमें अपनी कंपनी के लिए न्यू बनाना है, बट मैंने डाटा यहाँ पे मैं कॉपी कर लूँगा। तो मैं डाटा यहाँ पे कॉपी करता हूँ किसी और कंपनी से, जैसे मैंने ऑलरेडी एक कंपनी का बनाया था ONGC का। यहाँ आप देख सकते हो ONGC के लिए मैंने बहुत सारे मेंटेन कर रखे हैं। तो हम यहाँ पे डाटा कॉपी करने के लिए क्या करना होगा, आपको सेलेक्ट करना होगा फाइल्स को। जैसे हमें प्लस A D K M और S, इन सारों के लिए हमें बनाना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी एच, हमने कॉपी पे क्लिक किया, अब एक कॉपी हो चुकी है हमारे पास डाटा। अब हमने, आपको पता है, हमने वेरिएंट, फिर हम यहाँ पे क्या डालेंगे, हम अनु डालेंगे। हम सबके यहाँ पे अनु डाल देते हैं बिकॉज हमने अनु के नाम से बना रखा है। वो सारे चीजें ना आपको GL अकाउंट में पोस्टिंग करने के लिए कंपलसरी है बनाना, विदाउट इन सब चीज के आप GL अकाउंट में पोस्टिंग नहीं कर पाओगे। तो आपको चीजें मालूम होनी चाहिए कि सपोज अगर आप कहीं, अगर आपको प्रॉब्लम हो जाए तो आप उसको सॉर्ट आउट तभी कर सकते हो जब आपको बेसिक से चीजें मालूम होंगी। हो गया। अब यहाँ पे देखो फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट, यहाँ पे हम ना नहीं कुछ डाल रहे बिकॉज हम फिक्स नहीं करना चाहते हैं कि ये सारे जो हमारे वेरिएंट्स बनेंगे पोस्टिंग पीरियड्स, वो सिर्फ एक पार्टिकुलर अकाउंट्स के लिए नहीं बनेंगे। हम एक ये प्रिंसिपल्स बना रहे हैं, मतलब एक सारे अकाउंट्स के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, सिर्फ पार्टिकुलर हम कैटेगरी नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम फ्रॉम और टू में हम कुछ नहीं डाल रहे, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ईयर 2020 और 21 के लिए बना रहे हैं। 1 से 12 हमारा नॉर्मल पीरियड हो गया एंड फिर हम 13 से 16 तक हमारा जो स्पेशल पीरियड हो गया उसके लिए हमें कर रहे हैं, बस इसमें और कुछ है नहीं। तो हमने सारा डाटा हमने फिल कर लिया है एंड अब हम इसको क्या करेंगे, इंटर कर दिया हमने, डाटा हो चुका है कॉपी, टिक एंट्री यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कॉपी हो चुका है। एंड अब हम इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे, डाटा वॉज सेव। अब ये मेरा डाटा सेव हो चुका है, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, हमने डिफाइन ओपन एंड क्लोज फील्ड कर लिया। अब डिफाइन फील्ड स्टेटस वेरिएंट, OBC4। फील्ड स्टेटस वेरिएंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये कुछ चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करता है। OBC4 मैं आपको बताता हूँ, देखो फील्ड स्टेटस वेरिएंट ये जो हमारा फर्स्ट वाला है ये हमारा यूनिवर्सल होता है, बाय डिफॉल्ट होता है। तो इसी को हम हमेशा कॉपी करते हैं, जब भी आप किसी कंपनी में जाओगे अगर फील्ड स्टेटस आप बनाओगे तो आपको इसी को कॉपी करना है एंड इसी को आपको अप्लाई करना है। इसमें सारे, बिकॉज मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कितने ज़्यादा एंट्रीज होते हैं, मैं आपको कॉपी करके दिखाता हूँ एंड चीज़ों को बताता हूँ। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड फील्ड स्टेटस ग्रुप पे मैंने क्लिक कर दिया,
एक सेकंड, ये देखो आप इसके अंदर ये इतने सारे ट्रांजेक्शन कोड इसने अपने पास रख रखा है, जैसे G001 जनरल के लिए, 03 मेटल कंजम्पशन अकाउंट, 4 कॉस्ट अकाउंट्स के लिए, 5 बैंक अकाउंट्स के लिए, फिर मेटल अकाउंट्स के अलग अलग। इसका यूज कहाँ आता है? इसका यूज पता है जब आप जनरल इंट्री पोस्टिंग करोगे ना तो वहाँ पे इसका यूज आएगा। इसमें ना मैं कुछ मैंडेटरी फील्ड सेलेक्ट कर दूंगा, तो उस मैंडेटरी फील्ड को सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा कि जब तक उस फील्ड को आप फिल नहीं करोगे तब तक आपकी इंट्री पोस्टिंग नहीं होगी। तो एक कंपलसरी एंट्री होता है जिससे आप अपने चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम सबसे पहले इसको क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के लिए क्या करना है, आपको मैंने कॉपी करना बताया, हम इसको क्या करेंगे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, कॉपी पे हमने क्लिक किया है, ठीक है, और यहाँ पे हम अपना एक कंपनी डाल देंगे अनु, एंड यहाँ पे भी 4, ठीक है। अब आप इसको एंट्री कर एंटर कर दो। अब देखते हो कॉपी ऑल करना है हमको, ओके। अब देखना है कितनी इंट्रीज कॉपी हुई होगी, बिकॉज वन बाय वन आप इसको मैनुअली नहीं बना सकते और कोई कंपनी नहीं मैनुअली बनाती है। देखना एंट्री कॉपी होने दो, देख सकते हो 43 आइटम्स को इसने कॉपी किया है। तो 43 आइटम्स के अगर आप वन बाय वन अगर पोस्टिंग करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसको पोस्टिंग करने में, इसलिए ये एसएपी में बाय डिफॉल्ट होता है, आपको उसी को कॉपी करना है और उसी को यूज करना है। अब ये हमारा एक एंट्री कॉपी हो चुका है, अब हम इसको सेव कर देंगे। अब ये हमारा डाटा सेव हो चुका है, अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ ओपन करके। अब जैसे अब किसी पे भी एक पे क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे देखो सिलेक्ट ग्रुप जनरल डाटा, जनरल डाटा पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखो टैक्स, टैक्स अभी क्या है ऑप्शनल है। अगर मैं टैक्स यहाँ पे रिक्वायर एंट्री में अगर मैं यहाँ कंपलसरी कर दूँ, यानी इसका मतलब जब भी आप कोई अपनी एंट्री पोस्ट करोगे तो आपको नैरेशन डालना कंपलसरी हो जाएगा, विदाउट नैरेशन की आपकी एंट्री पोस्टिंग नहीं होगी, ठीक है। तो उसके केस में है कि आप किसको आप कंपलसरी करना चाहते हो, किसको आप कंपलसरी नहीं करना चाहते हो, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। आप यहाँ पे एडिशनल अकाउंट असाइनमेंट में आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इसमें से जो भी फील्ड आपको लगता है कि नहीं भाई ये कंपलसरी होना चाहिए आपके यहाँ पे एंट्री पोस्ट करने में, तो आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरह आप और भी देख सकते हो, यहाँ टैक्सेस से रिलेटेड है कि आप विथ होल्डिंग टैक्स, ग्रॉस इनकम टैक्स, विथ होल्डिंग टैक्स अमाउंट, इसमें से जो फील्ड आप चाहते हो कि कंपलसरी रहे कि नहीं भाई इसको फिल करना ही है, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं किसी को सिलेक्ट नहीं कर रहा, बट मैंने आपको बता दिया है ट्रांजेक्शन होता क्या है, हमने डाटा को ऑलरेडी सेव कर रखा है। तो ये मैंने आपको फील्ड स्टेटस भी बताया कैसे बनता है। अब असाइन फील्ड स्टेटस टू कंपनी कोड, जो हमने फील्ड स्टेटस बनाया है उसको हम कंपनी कोड को हम असाइन करेंगे। तो असाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, OBC5 यहाँ पे आएंगे हम, पोजीशन पे जाके हमें अपना कंपनी सर्च करना है, एंड यहाँ पे आपको अनु डाल देना है, बिकॉज हमने सब कुछ हम एक ही नाम लेके चल रहे हैं, बार बार अलग अलग नाम यूज नहीं कर रहे जिससे चीजें कॉम्प्लिकेटेड ना हो। डाटा हमारा सेव हो चुका है, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट बात, असाइन फील्ड स्टेटस हमने असाइन में कर दिया, डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप्स। अब डॉक्यूमेंट टाइप्स क्या होता है, OBA7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, NOBA7। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हर एक डॉक्यूमेंट का एक शॉर्ट कोड है। देखो डबल ए किसके लिए, एसेट्स पोस्टिंग के लिए, AB रिवर्सल डॉक्यूमेंट के लिए, इस तरीके के करके ना सारे इन्होंने कोड्स दे रखे हैं, एंड इसके अकॉर्डिंग इसके GL बनेंगे। जैसे अब मान लो मुझे एक जनरल लेजर के लिए बनाना है, तो जनरल लेजर के लिए होता है SAT कोड, SA होता है SA डॉक्यूमेंट टाइप। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर ऑलरेडी आ रखा है, एंड इस पर आप नंबर रेंज आप बना सकते हो, आप क्या क्या किस किस अकाउंट्स के लिए इस पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट टाइप को आप अलाउ करना चाहते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो ये सबके लिए अलाउ है। यानी अगर मैं एसेट्स की पोस्टिंग करूँ तो भी मेरा ये GL ले लेगा, SA डॉक्यूमेंट ले लेगा, एंड अगर मैं कस्टमर वेंडर मेटेरियल GL मैं जिसके लिए पोस्टिंग करूँ इसके लिए ले लेगा, ठीक है। अदरवाइज आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है।
तो आप इस अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्यूमेंट टाइप्स को आप बना सकते हो, यहाँ पे न्यू एंट्रीज भी कर सकते हो अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट टाइप बनाना है अपने कंपनी के अकॉर्डिंग। अदरवाइज आप नंबर इंच पे क्लिक करो एंड यहाँ पे आप जॉब कंपनी कोड एंड यहाँ पे इंटरवल पे क्लिक करो एंड एक आप इंटरवल बना दो 01 करके एंड यहाँ पे ईयर हम 2020 के लिए हम बना रहे हैं। फ्रॉम डॉक्यूमेंट नंबर कितना सा आप इशू करना चाहते हो, तो मैं 1000 से इशू करके कितना करूँ, 99,000 तक मैंने कर दिया है। ओके अब इसको मैं सेव कर दूंगा। इसके अलावा भी और भी डॉक्यूमेंट रेंज हमें बनाने पड़ेंगे, टाइम टू टाइम वो वेरी करते रहेगा, जब रिक्वायरमेंट आएगा तब हम उसके डॉक्यूमेंट टाइप्स को हम क्रिएट करेंगे। मैंने ऐसे भी सर्वर इतना स्लो क्यों चल रहा है, ये बन चुका है हमारे यहाँ डाटा चेंज वॉज सेव्ड। ओके अब नेक्स्ट हमारे बात क्या करती है, डिफाइन पोस्टिंग कीज। ये पोस्टिंग कीज का यूज कहाँ होता है, जनरल एंट्री करने में। देखो दिखाता हूँ मैं आपको, NOB 31। सॉरी OB 41 है, NOB 41। यहाँ आप देख सकते हो, आप सबने देखा होगा अगर आपने SAP पे काम किया होगा तो वहाँ पे एक कोड आता है 40 और 50। 40-50 मोस्टली ज़्यादा यूज होता है किसी ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग में, बिकॉज आपके पास अगर कोई रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन है तो उसको डेबिट करने के लिए हम 40 यूज करते हैं एंड उसको क्रेडिट करने के लिए हम 50 यूज करते हैं पोस्टिंग की। सपोज अगर मान लो मैंने रेंट पे किया इन कैश में, तो रेंट को डेबिट करना होगा, तो रेंट के लिए मैं 40 यूज करूँगा एंड कैश को क्रेडिट करने के लिए मैं 50 यूज करूँगा। तो जब मैं GL अकाउंट में मैं पोस्टिंग करूँगा तो मैं वहाँ पे आपको ये पोस्टिंग कीज के बारे में बताऊंगा एंड विदाउट पोस्टिंग की भी हम कैसे एंट्री पोस्ट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। बिकॉज हो सकता है कि पोस्टिंग कीज बहुत सारे हैं एंड सारे पोस्टिंग कीज आपको याद ना हो, तो आप किस तरीके से आप विदाउट पोस्टिंग की भी आप एंट्री कर सकते हो और विद पोस्टिंग की भी आप एंट्री कर सकते हो, मैं आपको दोनों तरीके आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैंने नंबर रेंज को ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, अब यहाँ से हमारा आ जाएगा जो मेन डाटा है, यहाँ पे डिफाइन मल्टीपल करेंसीज के बारे में हम देखेंगे एंड ये चार टी कोड्स हम नेक्स्ट अपने वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके थैंक्स, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। होप सो आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो।